उसका ब्लड सैंपल लेकर पुणे में लेबोरेटरी है, पुणे में भेजते हैं, उसका रिपोर्ट एक दिन में आना करीबन एक दिन में आ सकता है। वो आने के बाद में पता चलेगा कि इन मरीजों को कोरोना वायरस का शिकायत है या नहीं है। और इसमें जो जो दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उसमें ये है कि बुखार आना, कफ होना या बलगम निकलना या फिर न्यूमोनिया जैसी आपको लगना या ठंड अक्सर बुखार आने जैसे जो आसार नजर आते हैं, तो ऐसे मरीजों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। जो हम जरूरी दवाई लेते हैं वो लेने के बाद में कि जो हमारा बुखार कम नहीं होता है, हमको अगर कफ कम नहीं होता है, खांसी अगर बढ़ती है, तो कस्तूरबा रुग्णालय में हमने अलग से कक्ष बनाया है, वहां पर जाकर जांच करा लें। कस्तूरबा रुग्णालय में हमने ये भी व्यवस्था की रखी है कि वहां पे चार अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, चार वार्ड अलग अलग बनाए गए हैं, और हर एक कक्ष में जो बेड है उसको भी हमने अलग से किसी का संपर्क करना है, ऐसी व्यवस्था की है ताकि किसी को किसी के संपर्क के माध्यम से इस बीमारी का फैलाव ना हो। मैं ये भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से आम जनता को कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर समय पर उपचार कर लेते हैं तो भविष्य में जिंदगी की तकलीफ होगी। महापालिका प्रशासन, राज्य शासन, केंद्र शासन, तीनों के समन्वय से हम सभी सतर्क है और कोई भी अभी हमने चार वार्ड बना रखे हैं, चार वार्ड में हरेक में चार चार कक्ष बना रखे हैं, जिसका 16 कक्ष हमारे यहाँ तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ती है कि कक्षों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और डॉक्टर भी है हरेक चार कक्ष में, एक डॉक्टर, एक नर्स और एक पैरामेडिकल स्टाफ ने संख्या रखी है और उसके दौरान वो पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने डॉक्टर लोगों को भी और वहाँ के नर्सेस को भी हमने विदाई दी है, जब भी आप पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे तो उस समय अपने मुंह पर मास्क लगाए, हैंड ग्लोव लगाए, सॉक्स पहने, एप्रन पहने, ताकि उनको इलाज करते करते डॉक्टर या नर्सेस को भी बीमारी ना हो जाए, क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी जी। सर दो सस्पेक्ट हाँ, दो सस्पेक्ट में मतलब तीन सस्पेक्ट है, दो सस्पेक्ट में वो चाइना गए थे, दोनों भी करीबन 16 जनवरी चाइना गए, 21 और 22 को वो बॉम्बे आए और बॉम्बे में जब हमने चेक किया तो उनको डाउट लगा तो हमने उनको तुरंत एडमिट करवा लिया, उनका ब्लड सैंपल लिया गया है, ब्लड सैंपल हमने पुणे भेजा है, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हमने भेजा है। और तीसरा जो पेशेंट है वो हांगकांग से ट्रेवल किया, हांगकांग से कहीं पिछले हफ्ते में लौटा, पिछले हफ्ते लौटने के बाद वो उसको डाउट लगा तो मैंने डॉक्टर संपर्क किया, उसको भी हमने कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया है। कुठल्या भागातले तीनों का मुंबईतले कुठल्या भागातले पेशंट वसई विरार भागातील आहे, म्हणजे ठाणे पालघर जिल्ह्यातील आहे, दोन तिसरे रुग्ण तिकडचाच आहे। अच्छा, तिसरे तिकडे आपल्या मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामधील, आता अभी तक तो कोई उसमें पेशंट नजर नाही आहे। मधुमेहच्या रुग्णांना मुंबई के कुछ लोगों का जिनके साथ किया गया है, जहाँ पर बूथ पर वो जाके मतलब उसके बाद खाने का क्या है और जो उसमें रूपन किया जाएगा ना, उसमें अभी पॉलिसी बनने की बाकी है, मतलब सोच क्या कर रहा है पॉलिसी बनने का, पॉलिसी बनने के बाद में उसकी अभी पाठ्यक्रम हो चुकी है। क्या है सर, क्या पॉलिसी है, किसके साथ किस तरह का पॉलिसी, मतलब बातचीत ये चल रही है कि भाई मतलब रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया अंदर है तो वहाँ पे हमने एक ट्रक में कोई अगर खाने पीने के लिए नक्शा हो जिसको हम अलाउ करें तो उस टाइप की पॉलिसी है, जैसे अभी उसका पूरा ब्यौरा अभी देना मतलब तय नहीं हुआ है, इसी जब पॉलिसी कर देंगे तो आपको अवगत किया है। साहब मधुमेहचे रुग्ण आहे ना, त्यांना लगेच लागण होण्याची शक्यता असतात, मग त्यांनी काय काळजी घ्यावी असं? मधुमेहचे रुग्ण लागण होण्याची शक्यता असते अशा प्रकार नाही, फक्त माझी एकच म्हणणार आहे।